आप में से कितने लोगों को भगवान पर विश्वास है? हाथ उठाओ। मैया, ओ पंचायती मैया, हाँ हाँ ये सुनो मेरी माँ, आपको भगवान पर विश्वास नहीं है? ये सुन ही नहीं रही थी जब हम पूछ रहे थे, ये प्रपंच में लगी थी। बताओ आप में से कितने लोगों को भगवान पर विश्वास है? आपको नहीं है? हाथ उठाओ। चलो अब नीचे करो। अब ये बताओ, क्या सुई के छेद से और हाथी और घोड़ा निकल सकता है? हाँ या ना, उत्तर दो ना। बताओ क्या सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकल सकता है? बोलो हाँ या ना। मैया, क्या सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकल सकता है? ना, आप कह रहे ना। अच्छा ये बताओ, एक बंदर समुद्र को छलांग लगा के पार कर सकता है क्या? एक बंदर, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। हाँ हाँ, एक बंदर समुद्र को छलांग लगा के पार कर सकता है। श्री हनुमान जी कर गए। अच्छा ये बताओ, इतने से मुंह में श्याम सुंदर ने यशोदा मैया को पूरा क्या दिखाया था? जोर से, इतने से मुंह में, आप सोचो, इतने से मुंह में जो पूरा ब्रह्मांड समा सकता है, वो चाहे तो सुई के छेद से हाथी और घोड़ा क्या पूरी दुनिया निकाल सकता है? निकाल सकता है कि नहीं? पर आप लोग क्या कहते हैं? नहीं निकल सकता। आप क्या कहते हैं? नहीं निकल सकता। चलो ये बताओ, आप में से कितने लोगों को भगवान पर विश्वास है? फिर से कंफर्म कराओ। अब ये बताओ, आप में से कितने लोगों के जीवन में चिंता और टेंशन है? जिनके जीवन में टेंशन है, चिंता है, डिप्रेशन है, वो हाथ उठाएं। आज दूर ना कर दिया तो फिर बताना। आज जिनके टेंशन चिंता है हाथ उठाओ फटाफट। जिनके चिंता और टेंशन है, आज के आज मिटाऊंगा आपकी चिंता और टेंशन, हाथ उठा के पहले बताओ। हाथ उठा लो फास्ट, चिंता टेंशन वाले लोग उठा लिए। चलो अब नीचे करो। आज आपकी चिंता मिटा के रहूंगा, आज आपकी टेंशन मिटेगी। देखो, चिंता मिटने की बात कही, संतों का दर्शन हो गया। तो आज हम आप में से कितनों की चिंता दूर कर दें? कौन कौन चाहता है कि हम आपकी चिंता दूर कर दें? चलो कन्फर्म, आज करके ही जाएंगे। अब एक काम करो, आप लोग अपना जरा ऐसे मुंह फुलाओ, ऐसे मुंह फुलाओ फास्ट। मैया फुलाओ मेरी मां, अब ठहाका लगाओ। सब लोग लगाओ। अब ये बताओ कि क्या मुंह और ठहाका, मुंह फूलना और ठहाका लगना, क्या ये दोनों काम एक साथ हो सकते हैं? जोर से, क्या मुंह फूलना, ऐसे मुंह भी फूल जाए और ठहाका भी लग जाए, कि ये दोनों काम एक साथ हो सकते हैं? नहीं। तो फिर आपने अभी क्या बताया? हम भगवान पर विश्वास करते हैं, और फिर आपने कहा हमें चिंता है। अरे जिन्हें विश्वास है उन्हें चिंता किस बात की, और जिन्हें चिंता है तो विश्वास कैसा? आप गलत बोल रहे हैं। या तो आपको चिंता है या तो आपको विश्वास है, दोनों नहीं हो सकता।
जैसे मुंह फुलाना और ठहाका लगाना दोनों एक साथ नहीं हो सकता, वैसे चिंता और विश्वास एक साथ नहीं हो सकता। अब ये बताओ कि आपको भगवान पर विश्वास है या चिंता है? जोर से एक बात बताएं मेरी माँ। आप कहती हो, आप भैया कहते हो, हमें चिंता है। अरे भैया तुम चिंता क्यों करते हो? तुम भगवान का चिंतन करो सही, तुम उनका चिंतन करो तो सही, वो करेंगे तुम्हारी चिंता, तुम क्यों करते हो? सुदामा को कोई चिंता थी क्या? जोर से, सुदामा तो केवल कृष्ण का चिंतन करते थे। सुदामा तो केवल कृष्ण का चिंतन करते थे। सुदामा चिंतन करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम कृष्ण का चिंतन करो। अब कृष्ण की जिम्मेदारी है कि वो तुम्हारी चिंता करेंगे, तुम खुद क्यों करते हो? आप लोग उनका चिंतन करो, वो आपकी चिंता करेंगे। आप कहते हो भगवान पर विश्वास है, आप कहते हैं हमें भगवान पर विश्वास है, और कहते हो चिंता है ना मेरी मां। जब विश्वास कर लिया तो तेरी मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। प्रभु मैं तो आपका हो गया जैसे छोटा सा बच्चा, कोई चिंता नहीं करता, उसकी चिंता उसकी माँ करती है। ऐसे भक्त बनकर शरण में चले जाओ भगवान की, भगवान चिंता करेंगे, आप निश्चिंत रहना। तो आज से चिंता नहीं करेंगे, क्या करेंगे? जोर से, भगवान का चिंतन। और आपके चिंता करने से कुछ ना होगा, विश्वास करो भगवान है सब वो। आप अपना कर्म करो, आगे की जिम्मेदारी भगवान की। विश्वास रखो भगवान पर, कर्म ईमानदारी से करो, फिर देखना चिंताएं मिट जाएंगी, आप सुखी हो जाएंगे।